The Jammu and Kashmir Border Area Development Conference, a registered organization working for the welfare of border residents and the tribal population of J&K, has urged the government to immediately resume work on the Mehandar Mini Secretariat and to hold accountable those responsible for the delays that have stretched over 14 years. On August 3, Dr. Shahzad Ahmed Malik, Chairman JK BADC and former VC, held a press conference along with prominent locals of Mehandar, including Dr. Yonis Chaudhary, retired CMO. During the media interaction, Dr. Shahzad criticized all successive political representatives of Mehandar for neglecting the people of this important town, whereas Dr. Yonis also accused leaders from all political parties of failing to speak for the rights of Mehandar's residents. Dr. Chaudhary, in his brief, informed that the construction of the Mehandar Mini Secretariat, which began nearly 15 years ago, with an estimated cost of Rs 14 crore, has seen more than half of the funds spent so far. Despite the progress, the project has been halted. The BADC chairman explained that the project was sanctioned in 2010 to house all important sub-district level offices under one roof. However, although Rs 7 to Rs 10 crore has been spent, the work was inexplicably stopped by those in charge without any clear reason. आज मौजी ने मेंडर ने हम सब ने मिलकर एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मिनी सेक्रेटरीट की बिल्डिंग आप सालों से देख रहे हैं जो मेंडर की पॉलिटिक्स के नाम पर भी दबा है और हम सब लोगों को भी के सामने एक खुशगवार माहौल में वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट दे रही है हर जगह से उसके लिए बुलाई गई है मेरे साथ जो है शहर के इम्पॉर्टेंट लोग हैं सरपंचीज हैं पंचीज हैं डॉक्टर यूनुस साहब हैं हम सब का मुद्दा ये है कि आज तक 2010 में इस प्रोजेक्ट को जो है वो अप्रूव किया गया और अप्रूवल तभी होता है जब किसी चीज़ को प्लानिंग में रखा जाए 14 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था और प्लानिंग के तहत उसको शुरू किया गया जब शुरू हो गया तो बीच में कोई कुछ वक्त के बाद में 7 से 10 करोड़ रुपए जब उसके निकल गए उसके बाद उस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया मेरा सवाल और मुद्दा ये है हम सब की तरफ से कि एक प्रोजेक्ट जो 14 साल पुराना है उसको कंप्लीट नहीं किया गया और ये जो हमारी 3 तहसीलें हैं 3 ब्लॉक हैं 75 पंचायतें हैं इन सारी को की परेशानियों को गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने प्लानिंग के तहत मिनी सेक्रेटरीट के एक प्रोजेक्ट को शुरू किया था लेकिन मुझे आज भी ये कहने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं हो रही है कि ये हमारे पॉलिटिकल इनकम्पिटेंस की वजह से कि जो लोग इक्तदार की कुर्सी पर बैठे रहे उनके सामने मेंडर के इस प्रोजेक्ट को पहले तो लगाया गया लेकिन जब इसमें 7 से 10 करोड़ रुपए निकले उसके बाद इसकी तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी दूसरी चीज कि वो पॉलिटिकल लोग जिन्होंने इन कामों को करवाना था उन्होंने कभी भी इस मिनी सेक्रेटरीट की आवाज को बुलंद नहीं किया मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि एक प्रोजेक्ट जो वायबल था जो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने चलाया चलाने के बाद में ऐसी क्या परेशानी आई क्या दिक्कत आई कि उस प्रोजेक्ट को एक डब्बा बनाकर रख दिया गया हमारे लोग बालाकोट से भरुती से चंडियाल संगियोट से गानी बलनोई से आते हैं एक एक ऑफिस एक एक घर का चक्कर एक एक ऑफिस का चक्कर काटने के लिए अलग अलग जगह पे जाते हैं लेकिन एक मेन मुद्दा आज तक पॉलिटिकल इनकम्पिटेंस की वजह से बना रहा जिसकी आवाज किसी ने बुलंद नहीं की हम इस चीज में ये डिमांड करना चाहते हैं कि जो पैसा इस पे निकला है वो लोग वो ऑफिसर्स जिन्होंने इस पैसे को विड्रॉ किया है और अगर पैसा निकला है तो बैलेंस अमाउंट उसमें आज तक क्यों नहीं आया जिससे काम रुका उसका सवाल हम गवर्नमेंट से भी पूछना चाह रहे हैं और उन रिप्रेजेंटेटिव से पूछना चाह रहे हैं कि जिनके दौरे इख्तदार में ये काम शुरू हुआ और वो काम आज तक पूरा नहीं हुआ दूसरा सवाल हमारा ये है कि अगर इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के बाद जो अमाउंट उसमें ना आया तो उसका रीजन क्या इसके पीछे कोई साजिश है